चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास, आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 17 तुलसी के पद, उसके कवि है तुलसीदास, उसका साहित्य बना रहे हैं पद, उसका अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना हिंदी का पाठ्य पुस्तक निकाले और पेज नंबर 81 पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त करते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी सन, निधन सन 1623। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आज उनका जन्म राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में माना गया है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम मुर्शी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ, बाबा नरसिंह देव ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरसिंहदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। आपने समय के प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसीदास को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाग्ना प्रश्नावली, रामलच्छा नवचु तथा वैराग्य सांदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियां है। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाले अनेक से अनेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव श्री राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त को की यह विनम्रता भावना यदि आज के व्यक्तित्व और व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई दिशा मिल जाए। तो आगे पढ़ते हैं महाकवि तुलसीदास जी रचित पहला पद। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दिन प्यारे, कोने देव बराई विरदत हित, हठी हठी अदम उदारे, खग मृग व्याग पसान विटप, जड़ जवन कौन सुर तारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपनों पे हारे। तो आइए अब इस पद का भाव समझते हैं। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पति तपावन, जग के ही अति दिन प्यारे। तो भक्त तुलसीदास जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं? संसार में पति तपावन नाम आपके सिवा और किसका है, और दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रेम करते हैं? कौन देव बराई वीर दत ही, हटी हटी अदम उदारे, आपके शिवा अन्य किस देव ने हट करके दुष्ट और पापियों का उद्धार किया है और सबसे बड़ा बड़प्पन प्राप्त किया है? खग मृग व्याग पसान विटप जड़ जमन कौन सुरतारे, हे प्रभु, आपने पक्षी, मृग, व्याग, पाषाण, पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है? देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया बस विचारे, हे प्रभु, देवता, राक्षस, मुनि, नाग यानी हाथी, मनुष्य, ये सब माया से वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते हैं और विचारते रहते हैं। तिनके हाथ दास तुलसी
प्रभु कहां अग्नों पे हारे। तुलसीदास जी कहते हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से मुझे कोई लाभ नहीं है। तो फिर से पूरे पद का भावार्थ में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। भक्त तुलसीदास भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों के चरणों को छोड़कर और कहां जाऊं। संसार में पति तपावन नाम आपके सिवा और किसका है। दिन दुखी लोग आपके सिवा और किसे प्रिय है। आपके सिवा अन्य किस देव ने हट करके पापियों का उद्धार किया है और बड़प्पन प्राप्त किया है। हे प्रभु, आपने पक्षी मृग व्याघ पाषाण यानी पत्थर विटप यानी वृक्ष यवन को और किस देवता ने दाना है। आप जैसा दूसरा देवता कोई नहीं है, सबका उद्धार आपने ही किया है। हे प्रभु, देवता राक्षस मुनि नाग आदि मनुष्य ये सब माया से वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते और विचारते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जुड़ने से मुझे कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने जिन जिन लोगों का उद्धार किया था उसका महत्व भी आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 82 पर। जैसे खग, तो जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध था। वह सूर्य के साथी अरुण का पुत्र था। जिस समय सीता का हरण हुआ था उस समय रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ। राम को सीता हरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिए। फिर मृग मारीच एक राक्षस जो जाड़का राक्षस का पुत्र था, रावण का अनुचर था, वह सुवर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था। व्याघ पहले वाल्मीकि हिंसा वृत्ति से जीवन गुजार रहे थे, परंतु बाद में संपादित ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि बन गए। इन्होंने प्रसिद्ध रामायण की रचना भी की है। फिर पाषाण यानी पत्थर अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी शापवश हुआ पत्थर बन गई थी, परंतु भगवान प्रभु श्री राम के चरणों के स्पर्श से इनका उद्धार हुआ था। बिटप यानी वृक्ष यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शापवश गोकुल में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने पुरुषों को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। जवन यानी यवन अनार्य एक यवन कहा जाता है कि मुसलमान ने शुकुर के आधार आघात से मरते समय राम शब्द का प्रयोग किया था। अनजाने में ही वह राम शब्द का उच्चारण करने लगा और उन्होंने मुक्ति पा ली। तो यहाँ पर इन सबका भगवान श्री राम ने उद्धार किया था, इसलिए उसका महत्व दिखाया गया है। अब दूसरा पद, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाज को अनाथ कौन मोसो, मोर समान आरत नहीं आरत ही हरत हो सो, ब्रह्म तू ही जीव तू ठाकर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण भावे। तो आइए दूसरे पद का भावार्थ हम देखते हैं कि तू दयालु मैं दीन हो, तू दानी मैं हूँ भिखारी। हे प्रभु, आप दयालु होए तो मैं दीन अर्थात दया के पात्र हूँ, आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। सेकंड, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप कुंजहारी, हे प्रभु यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों को और उसके समूह को नष्ट करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, हे प्रभु आप अनाथों के नाथ है तो मेरे जैसा कोई दूसरा अनाथ नहीं है। मोह समान आरत नहीं आरत ही तोसो, हे प्रभु मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो, हे प्रभु आप मेरे माता पिता गुरु और मित्र सब तरह से आप मेरे हितेशु हैं, हितेशी हैं, मेरा हित करने वाले हैं। तो ही मोहि नातो अनेक मानिए जो भावे, हे प्रभु आपसे मेरे
अनेक रिश्ते जुड़े हुए हैं, उनमें से जो भी रिश्ता आपको पसंद है वह रिश्ता मुझसे जोड़िए। जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण भावे, अंत तुलसीदास जी कहते हैं ये प्रभु मुझे तो बस आपके चरण कमल की ही आशा है, मैं हमेशा आपके चरण में रहना चाहता हूं। तो प्रस्तुत तुलसीदास जी कहते हैं कृपालु मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूं। तो फिर से इस तुलसी व्रत का अभ्यास पूरे, हे प्रभु आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया के पात्र हूँ, आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ, यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों को दूर करने वाला और कोई नहीं, आप अनाथों के नाथ हैं तो मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आपके जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। प्रभु आप मेरे पिता माता गुरु मित्र सब तरह से मेरे हित करने वाले हिचच्छु है। हे प्रभु आपसे मेरे अनेक रिश्ते और नाते जुड़े हुए हैं, उनमें से जो रिश्ता जो नाता आपको पसंद हो वह आप मुझसे जोड़िए। मैं किसी भी तरह आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे परम कृपालु परमात्मा बस मुझे आपके चरणों की ही आशा है, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों अब हम शब्दार्थ देखते हैं कि पति तमाम को पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, बड़ाई का बड़प्पन, वीरत का बड़ाई, अधम का पापी या दुष्ट, उद्धार वाला उद्धार करना, धनुष तो राक्षस, अनाथ तो असहाय, मुनि तो तपस्वी, नाथ तो सर्प, मनु तो मनुष्य, अपनयो तो अपनापन, पातकी तो पापी, आरत तो दुखी, चेदो तो दास। तो अब हम स्वाध्याय में सबसे पहले एक एक वाक्य में उत्तर दिए और देखते हैं तुलसीदास जी किसके चरण नहीं छोड़ना चाहते। तुलसीदास जी अपने स्वामी श्री राम के चरण नहीं छोड़ना चाहते। तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है, तो तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम प्रभु पतित पावन है। भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं, तो भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया, तो भगवान ने हट करके पक्षी मृग व्याघ पाषाण वृक्ष और यवन का उद्धार किया। फिर माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं, तो देवता राक्षस मुनि नाग यानी हाथी मनुष्य ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। प्रभु दानी है तो कवि क्या है, प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है, कवि पाप कुंजहारी किसे कहते हैं, तो कवि भगवान श्री राम को पाप कुंजहारी कहते हैं। सौ विस्तार उत्तर दीजिए, उसमें पहला तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते, तो तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पति तपावन है, वे दिन दुखी जनों के प्रेमी हैं, उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है, पक्षी मृग व्याघ भाषण वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता मुनि और मनुष्य आदि मोहमाया के वशीभूत रहते हैं, उनसे संबंध जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है, श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। सेकेंड, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े और क्यों, तो तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है, भगवान दानी है तो वह भिखारी है, प्रभु पापों का नाश करते हैं तो मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, प्रभु अनाथों के नाथ है तो मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है, यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई दुखी नहीं है, प्रभु परब्रह्म परमात्मा है तो तुलसीदास जी एक सामान्य मनुष्य जीव है, प्रभु उसके मालिक है तो तुलसीदास जी उसके सेवक यानी दास है, भगवान ही तुलसीदास जी के माता पिता गुरु और मित्र आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अनेक संबंध जोड़े हैं,
इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। थर्ड, तो ही मोही नाते अनेक मानिए, जो भावे का भाव स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे साथ जुड़े रहिए। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं मिलता। एक नाता जुड़ने से ये भक्ति में गहराई आती है, उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में एक सरलता भी मिलती है और अपनेपन की भावना भी मिलती है। इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता यानी संबंध बनाकर उन्हें अपना ले। फिर है भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देव धनुज मुनि नाग मनुज संभव माया विपुल विचारे, इनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनों पे हारे। तो प्रस्तुत पंक्ति में हे भगवान राम, देवता राक्षस मुनि हाथी वृक्ष यवन देवता आदि सब माया के वशीभूत रहते हैं और उनके बारे में सोचते हैं और विचारते हैं। इनमें मुझ चेष्टों के प्रति अपनापन नहीं हो सकता, इसलिए इनके किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही है, मुझ जैसे भक्तों का केवल आप ही उद्धार कर सकते हैं, इसलिए आपके सिवा में और किसी के शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। सेकेंड, नाथ तो अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान अनाथ नहीं अर्थ ही सो दो। तो तुलसीदास भगवान से राम से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है, रक्षक करने वाला नहीं है, उनकी रक्षा करने वाले आप हैं। मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है, अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा और कोई नहीं है। फिर समानार्थी शब्द दीजिए। तो अधम तो नीच, धनुज तो राक्षस, मनोज तो मनुष्य, पात की तो पापी, आरत तो दुखी, चेरो तो दास, विधि बराबर विधि तो प्रकार, खग तो पक्षी। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर पापोद्धारक, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो बराबर अनाथ। तो विज्ञानी मित्रों, ये था आपका स्वाध्याय और आपको होमवर्क में यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1 to 6 क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में करके रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे।